चंद उत्ते कदम रखण वाले दूजे व्यक्ति ने अपने 93वें जन्मदिन उत्ते 30 साल छोटी महिला नाल कीता विआह। मून वॉकर बज़ एल्ड्रिन ने अपने 93वें जन्मदिन उत्ते अपने लंबे समय तो चल रहे प्यार नाल विआह कीता। एल्ड्रिन 1969 दे अपोलो 11 मिशन दे हिस्से वजों चंद्रमा उत्ते कदम रखण वाले 3 अमरीकी पुलाड़ यात्रियों विचों एक हन। उन्होंने शनिवार को ट्विटर उत्ते अपनी पत्नी डॉक्टर अंका फौर नाल तस्वीरां पोस्ट कीतियां। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हाई अलर्ट के विचकार जम्मू में दोहरे बंब धमाकों में 6 जख्मी। जम्मू में आज सवेरे दोहरे बंब धमाकों में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि अत्तवादी हमले के नाल जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्ते सुरक्षा चिंतावां बढ़ गई हैं। जम्मू के नरवाल खेत्र में एक उद्योगिक खेत्र में धमाके अजिहे समय हुए जदों केंद्र शासित प्रदेश फुट मार्च के मद्देनज़र भारी सुरक्षा हेठ है। बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह नूं मुड़ मिली 40 दिनों की पैरोल। डेरा मुखी की पिछली 40 दिनों की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को खत्म हुई सी। सूत्रों ने दस्या कि पैरोल दौरान डेरा मुखी के 25 जनवरी को साबका डेरा मुखी शाह सतनाम सिंह के जन्मदिन के समागम में भी शामिल होने की संभावना है। दिल्ली के जंतर मंत्र उत्ते पहलवाना का धरना होया खत्म। दिल्ली के जंतर मंत्र उत्ते 2 दिनों तो प्रदर्शन कर रहे पहलवाना ने केंद्र सरकार तो अपनी शिकायतों के हल का भरोसा मिलने तो बाद शुक्रवार देर रात अपना धरना समाप्त कर दिता। जांच पूरी होने तक रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह नूं प्रधान के अहदे लई जिम्मेवारी तो हटा दिता गया है। क्रिस हिपकिंस होणगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। सिक्ख्या मंत्री क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने लई तैयार हैं क्योंकि वह जैसिंडा आर्डर्न के अस्तीफा देने के फैसले तो बाद चोण लड़न वाले इकलौते उम्मीदवार सन। खबर जारी करन तक न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 109 दौड़ों का टीचा रख्या। मुहम्मद शमी ने 3 विकटां लईयां। भारत ते न्यूजीलैंड विचाले वनडे सीरीज़ का दूजा मैच रायपुर विच खेडिया जा रहा है। भारतीय टीम यह मैच जित के सीरीज़ अपना नाम करना चाहेगी। इस दे नाल ही न्यूजीलैंड की टीम जित दर्ज करके सीरीज़ विच बराबरी करन दी कोशिश करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जित के पहला गेंदबाजी करन दा फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहला बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 109 दौड़ों का टीचा रख्या। हॉकी वर्ल्ड कप विच क्वार्टर फाइनल लई 8 टीमां भिड़नगियां। क्रॉस ओवर न्यूजीलैंड का सामना होगा भारत नाल। भारतीय टीम पूल डी विच दूजे स्थान उत्ते रही सी। उसने 3 मैचों में 2 मैच जीते सन। इंग्लैंड खिलाफ 1 मैच ड्रॉ रहा सी। टीम इंडिया ते इंग्लैंड दे 7-7 अंक सन पर बेहतर गोल अंतर कारण इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल विच पहुँच गया। टीम इंडिया ग्रुप सी विच तीजे स्थान उत्ते रहने वाली टीम न्यूजीलैंड नाल खेडेगी। न्यूजीलैंड नूं 3 मैचों विच 1 जीत ते 2 विच हार मिली सी। भारत ने आखिरी बार 2010 विच क्वार्टर फाइनल खेडिया सी। उसकी नज़र 13 साल बाद आखिरी 8 विच पहुँचण उत्ते होवेगी। ये सन हुण तक दीआं प्रमुख खबरां। तुसीं वेख रहे हो प्लस टीवी HD। धन्यवाद।